एपिसोड 1 में आपने देखा कि रचित को भाई जैसा दोस्त चाहिए होता है, तो रचित के घर पे आता है उसके मामा का लड़का गुलगुला। स्टार्टिंग में तो गुलगुले के आने से रचित बहुत खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे गुलगुला रचित को परेशान करने लगता है और यहाँ तक कि गुलगुला रचित का रूम तक हथिया लेता है। और गुलगुले से परेशान होकर रचित ऐसी प्लानिंग करता है कि गुलगुले का पापा उसको आकर वहाँ से ले जाता है। पूरी स्टोरी जानने के लिए एपिसोड 1 जाकर देखो, और अब देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या होता है। अब से ये घर मेरा और मैं इस घर का बाजीराव सिंघम। हाँ, और देखो इस सिंघम को कैसे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। आज बस लास्ट बार कर रहा हूं सफाई। अरे पापा, आप पापा, मैं ना आपसे कभी भी शिकायत नहीं करूंगा कि मेरे को कोई भाई चाहिए, और मैं आपकी सारी बात मानूंगा। पापा यू आर सो स्वीट। अबे हो क्या गया? बस पापा कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, चुपचाप सफाई कर ले। आया बड़ा। अरे कोई बात नहीं, आज तो मैं पापा के जितने मर्जी उतने थप्पड़ खा लूंगा, क्योंकि आज पार्टी का दिन है। ये सलाह कपूर नाम दे। मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ और ये फोन में लगी हुई है, मैं क्यों करूं सारी सफाई? ये भी करेगी मेरे साथ। ओए, आके सफाई करवा ले मेरे साथ, सारा दिन फोन में लगी रहती है। अच्छा, मैं क्यों करूं सफाई? एक तो तेरे को इस जंजाल से निकाला है, अब सफाई भी मैं ही कराऊं। कर ले चुपचाप, चल। अच्छा बच्चू, मेरे साथ चल बाजी। फोन दे मेरा, चल। और ये पकड़ अपना घटिया सा फोन। अच्छा, अब तेरे में हिम्मत है ना, तो अब तू सफाई करवा के दिखा ले, जा। अच्छा, नहीं करेगी सफाई? नहीं करूंगी, और अगर ज्यादा बकवास करी ना तो मम्मी को जाके बता दूंगी तेरे सारे कारनामे, कि गुलगुले को तूने भगाया और मामा जी को फोन भी तूने करा। हाँ हाँ, जा बता दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देख के आता हूँ कौन आया। अब अरे भाई तू। हाँ बहन, बस आ गया ऐसे ही। अरे रचित, तेरे को क्या हुआ? बुआ जी, लगता है इन्होंने भूत देख लिया। अरे गुलगुले मेरे बेटे, तू भी आजा आजा। अरे भाई क्या हो गया, जल्दी जल्दी में भाग गया, अब एकदम से वापिस आ गया, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे बेताल है ये, तेरा भाई नहीं, ऐसे कैसे पीछा छोड़ के चला जाएगा? चुप करो तुम, हर वक्त बकवास करते रहते हो। क्या जीजा जी, बस हर टाइम मजाक ही करते रहते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा साले जी, सीरियस हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, भाई तो ये बता क्या हुआ? अरे दीदी, हुआ कुछ यूं कि मेरे पास एक फोन आया, उसने बोला मुझे इतने पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बच्चा किडनैप। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले किडनैपर गुलगुले को किडनैप करे, मैं गुलगुले को लेके गायब हो जाता हूँ। तो ये सब हुआ। अच्छा, ये तो बहुत गलत हुआ, फिर तूने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अरे दीदी, मैं डर गया था इसलिए तो फोन नहीं करा। हाँ भाई सही कह रहा, फिर तो ठीक किया तूने, लेकिन फिर तू अब वापिस कैसे आ गया? अरे दीदी, वो किसी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। अभी तो तू कह रहा था किडनैपिंग, और अब कह रहा है प्रैंक? नहीं, ये कोई यूट्यूब की वीडियो चल रही है क्या? अरे फूफा जी, आप समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। वो ना, अरे पापा पर हुआ क्या है? अरे तू चुप रह, एक तो यार टैक्सी भी नहीं मिल रही है। अरे पापा हुआ क्या है बताओ तो। अरे तेरे को बोला ना, तू चुप रह, बच्चा है तू, अभी तुझे कुछ नहीं पता। अरे पापा बच्चा हूँ लेकिन पापा बता तो सकते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर सुन। तो ये सब हुआ था, कॉल किडनैपर, कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई साहब कहाँ रह गए, जल्दी आओ ना। अरे भाई साहब लॉकडाउन में कैसे आऊं? अरे भाई 10 के बजाय 11 रुपए ले लियो, जल्दी आना। अरे नहीं भाई साहब। अच्छा चल ठीक है, 12 रुपए ले लियो। अच्छा सुन, ना तेरी ना मेरी, तेरा मैं डन कर, चल। अरे भाई 14 रुपए ले लियो, अब तो आ जा। अरे नहीं भाई साहब नहीं। अरे बाबा एक बात बताओ। पूछ।
किडनैपर तो किडनैप करने के बाद पैसे मांगता है ना। लेकिन पापा जी, आपको तो पहले फोन आया और फिर उसने किडनैप करने की धमकी आपको बाद में दी। ऐसा थोड़ी ना होता है पापा, लगता है किसी ने आपके साथ प्रैंक किया है। अरे हाँ, तू सही कह रहा है, किडनैपर हमेशा किडनैप करने के बाद ही तो फिरौती मांगता है, और इसने मुझे पहले ही फोन कर दिया। एक तो मेरी बीबी भाग गई, ऊपर से सारा धंधा चौपट हो रखा है, और पता नहीं कौन है ये आदमी फोन कर करके मेरे मजे ले रहा है। इतना खर्च करके मैं मुंबई से यहाँ आया, अब दोबारा उतना ही खर्च करके मुझे वापस मुंबई भी जाना पड़ेगा। खैर तू छोड़िए सब, अभी हम दोनों घर चलते हैं, दोनों बाप बेटा साथ में लॉकडाउन बिताएंगे, ठीक है? तो पर लेकिन जाए कैसे, यहाँ टैक्सी भी तो नहीं मिल रही है। अरे पापा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम ना लॉकडाउन बुआ जी के घर पे बिताते हैं, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे खाएंगे, वहीं पे सोएंगे, पूरा लॉकडाउन वहीं पे मौज करेंगे, और फिर हम दोनों यहाँ आ गए। मतलब अब पूरा लॉकडाउन तुम दोनों यहाँ रुकोगे मेरे घर में? अरे बिल्कुल सही समझे जीजा जी, आपके जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। देखेगा भी कैसे, यहाँ इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ एक मैं ही तो हूँ। पहले तो सिर्फ तेरी बहन को झेल रहा था, अब तेरे को भी झेलूंगा। एक बम का गोला क्या कम था मेरे घर में, जो अब दो दो गिर गए। पापा दो नहीं, तीन तीन। अरे चुप करो तुम सब। भाई तुझे तो पता है ना इन सब की मजाक करने की आदत है। चल भाई मैं तेरे को तेरा रूम दिखा देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप सब लोगों को दिक्कत होगी, मैं यहीं बाहर दरी बिछा के सो जाऊंगा ना। अरे भाई तू बाहर क्यों सोएगा, मेरा घर तेरा घर, रचित वाला कमरा खाली करवा देती हूँ ना, तू उसमें सामान रख, अपना कपड़े रख, आराम से रह। हाँ पापा वो रूम ना बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है बुआ जी, हम ना उसी रूम में सो जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अरे वो मेरा रूम है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। चुप कर तू, मुत्ता है ना तू बेड पे, आप लोगों ने भी देखा ना पिछले पार्ट में बेड गिला किया था इसने, बाहर ही सोएगा तू। चल भाई। चाहिए हे भगवान, ये खुशी भी क्या खुशी जो घंटा भर भी ना टिकी। बेटे बोला था ना तेरे को पिछले पार्ट में, तू चाहे कितना भी बड़ा सिंघम हो, इस फिल्म का रोहित शेट्टी मैं हूँ, और ये पिक्चर तो मेरी है, इसमें जो मैं चाहूंगा ना मैं वही करूंगा, अब चल फुर। ये क्या पहले कम था, अब इसका बाप भी आ गया। एक हफ्ते का चार आदमियों का हमारा खर्चा आता है 1000 रुपए, और अब दो आदमी और बढ़ गए, यानी कि हफ्ते के 500 रुपए और बढ़ गए। हे भगवान, कहां से लाऊंगा इस लॉकडाउन में इतने पैसे मैं। बमबारी हो रही है, भागो। अरे एयर स्ट्राइक कर दी चाइना ने, बम गिर रहा है हमारे ऊपर, भागो, जान बचाओ अपनी, जान बचाओ अपनी, जान बचा लो, भागो भागो सारे। अरे बेटा तू रिंग लाइट लेके क्यों भाग रही है, अपनी जान बचा ले। अरे मम्मी जान मान तो देखी जाएगी, मेरी रिंग लाइट जरूरी है। अरे चाइना ने हमला कर दिया, बमबारी हो रही है, अपनी जान बचाओ, भागो भागो। अरे क्यों भगदड़ मचा रखी है। अरे गुलगुले तू क्यों खड़ा है, तू भी जान बचा, भाग भाग, बमबारी हो रही है, चाइना ने हमला कर दिया, भाग जल्दी चल। अरे क्या हो गया, किस लिए इतनी भगदड़ मचा रखी है। अरे मामा जी बम के गोले गिर रहे हैं, चाइना ने हमला कर दिया, भागो आप भी, जान बचाओ जल्दी। कहां बम फट रहे हैं बेटे, लगता है हमला बंद हो गया, अब धमाके की आवाज नहीं आ रही। अरे फूफा जी कोई बम बम नहीं गिरे। अरे नहीं बेटा गिरे हैं, बहुत सारे गिरे हैं। अरे बुआ जी बम नहीं थे वो। फिर क्या था वो? वो पापा थे। क्या? बाथरूम में बैठे बैठे वो बम फोड़ते हैं, भूल गए क्या? मुझे तो आदत हो चुकी है। अरे तुझे आदत है, लेकिन हमारी तो जान निकाल दी। शायद इसीलिए इसकी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई थी। कौन रुकेगा इस पतोड़े के साथ। अरे जीजा जी, कल सफर में मैंने फास्ट फूड खा लिया था, इसलिए तो मेरे पेट में गोले तैयार हो गए थे, वही तो फोड़ के आ रहा हूँ। पर पाद मारना कोई बुरी बात थोड़ी है, आप लोग नहीं पाते क्या? साले तेरे जैसे थोड़ा ना पाद मारते हैं, आराम से करो यार, इतनी खलबली कौन मचाता है। यहीं से आदत पड़ी है इस गुलगुले को भी, जैसा बाप वैसा बेटा, एक दिन हुआ नहीं इन्होंने हमारी नींद हराम कर दी।
चलो बेटा सोने चलते हैं, आओ चलो सारे सोते हैं। अरे जीजा जी कहाँ चले सोने, 4:30 बज चुके सुबह के, पहला पैर लग गया है, मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। अरे ना भैया ना, तुम ही कर लो मॉर्निंग वॉक तो। अरे जीजा जी अगर 80 तक जीना है ना तो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करनी बहुत जरूरी है। मेरा एक पड़ोसी 55 की उम्र में निकल लिया था, क्यों? क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता था, बेचारा रिटायरमेंट से पहले टपक गया। और आपकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, सब पता है मुझे। दीदी तुम ही समझाओ इनको, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ हाँ फूफा जी, हेल्थ इज वेल्थ। सही बोल रहा है मेरा भाई, बकवास मत करो तुम, और जाना चाहिए तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे, चलो। अरे रजित बेटा तू भी आ जा। अरे नहीं नहीं पापा मुझे माफ करो, आप ही जाओ मॉर्निंग वॉक पे, आप बड़ों के बीच में मैं बच्चा क्या करूंगा। जाओ जाओ जाओ। आओ जीजा जी चलते हैं। क्या यार सुबह सुबह सारी नींद खराब कर दी, अब क्या करूं मैं। भैया बैट बॉल खेले। ओए गुलगुले तू दुश्मन पार्टी है, तेरे साथ खेलने से अच्छा तो मैं गर्दन कटवा लूं। अरे रचित भैया छोड़ो ना, दुश्मनी एक तरफ क्रिकेट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान भी तो ऐसे ही करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात तो तू सही कह रहा है, चल ठीक है खेल लेंगे, लेकिन पहले बैटिंग मैं करूंगा। अरे ठीक है ये लो बैट, इतना नाक में दम कर रखा था, एक बार फर्स्ट बैटिंग दे दी तो क्या चले जाएगा मेरा। चल फिर। अरे रचित भैया ये क्या कर दिया। चुप हो जा बोल मत, चुप चुप। अरे क्या हुआ, किसी ने मेरी आंख फोड़ दी। पापा पापा ये सब ना रचित भैया ने किया है, मैंने इनको मना करा था ये क्रिकेट नहीं खेलना, लेकिन ये मेरे को जबरदस्ती खेलने के लिए ले आए और इतनी जोर से शॉट मारा कि मेरे पापा की आंख फोड़ दी। बुआ जी स्वाती दीदी मेरे पापा की आग फोड़ दी, मेरे पापा की आग फोड़ दी। अरे क्या हो गया पप्पू भाई, दिखना बंद हो गया क्या? बस गूंगा और हो जाए तो मेरा जीना सुखी हो जाए। अबे ऐसे कौन क्रिकेट खेलता है, तेरी आग फोड़ दी, मैं अच्छा खासा घर में आ रहा था। अरे तेरे को दिखाई नहीं दिया था क्या जब वो आ रहे थे, तेरे मामा जी की आंख फोड़ दी तूने, इतनी जोर से खेलता क्या कोई? अरे क्या गलत कर दिया, मैच ही तो खेल रहा था, और किसने कहा था सुबह सुबह वॉक करने को। हाँ और क्या, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अंधा हो गया मेरा भाई। अरे एक आंख ही फूटी है और एक आंख से काना होता है, काना। दीदी देख लो जीजा जी मुझे काना बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे को तो पता है तेरे जीजा जी की मजाक करने की आदत है, और सुनो कोई काना वाना नहीं बोलेगा मेरे भाई को, अगर इसको कुछ हुआ तो दोनों बाप बेटों को घर से निकाल दूंगी। अच्छा ये घर मेरा है मेरा। सुनो 20 साल पहले था तुम्हारा घर, जब से मैं आई हूँ ये घर मेरा है और मेरे नाम है। चल भाई तू अंदर आ, आज इन दोनों बाप बेटे को मैं बताऊंगी, इनको खाना तक नहीं दूंगी, आ तू अंदर। दीदी मैं बहुत गंदे हैं जीजा जी, ये भी गंदे हैं, इनका बेटा भी गंदा है। बुआ जी मेरे को तो खाना मिलेगा ना। हाँ बेटा तेरे को क्यों नहीं मिलेगा, तू तो मेरा लाडला बेटा है ना, तेरे लिए तो सब कुर्बान है। अरे बेटा ये क्या करवा दिया। पापा मैंने कुछ नहीं करवाया, वो गुलगुला जबरदस्ती मेरे को क्रिकेट खेलने के लिए ले आया, मैं मना कर रहा था उसको। अब क्या करेंगे यार, हे भगवान। गुलगुले मिल्क केक गुलाब जामुन पनीर पेटीज रसमलाई पनीर जलेबी लड्डू गुलगुले टूट पड़।
अरे दीदी, एक नंबर खाना बनाया आपने, मजा आ गया। अरे भाई अभी तो तू रुक जा, अभी तेरे लिए और लेके आऊंगी। मम्मी थोड़ा सा खाने को दे दो प्लीज, कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो बहुत मन हो रहा है। कुछ नहीं मिलेगा आज तुम्हें पूरा दिन। पापा देखो, वैसे तो इस घर में पनीर भी नहीं आता, और आज देखो महीने भर का राशन एक दिन में खत्म हो रहा है। अरे बेटा, इतना खर्चा करके इस लॉकडाउन में ये महीना कैसे निकलेगा। चल छोड़ बेटा, सोच लेंगे, आज हमारा उपवास है। कौन सा उपवास? मामा भांजा जीजा साला चतुर्थी। अरे यार, ऐसे कैसे नींद आएगी, एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से ये मच्छर काट रहे हैं, और इन दोनों को देखो, मेरी जान के दुश्मन, मेरा कमरा हाथी आके चैन से सो रहे हैं एसी में। आइडिया, ऐसे नहीं सोने दूंगा मैं इनको, मैं यहां नरक में पड़ा रहूं और ये लोग जन्नत में सोए, अभी जाके इनका एसी बंद कर देता हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही आया था। आप क्या कर रहे हो? मैं भी बस ऐसे ही। ये बॉय, ये इनके कमरे की एमसी किसने गिराई? चुप चुप चुप, अपनी माँ को मत बता दियो, ये साला होके जीजा का बिल बढ़ाने में लगा हुआ है। मरने दे उनको आज गर्मी में सड़ने दे, दो दिन गर्मी में सड़ेंगे, एक दो दिन में अपना भाग जाएंगे। ठीक है पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। चला। अरे रामकली, एक कप चाय ला दो। पिछले पार्ट में मुंह फूका था ना, ग्रीन टी पिया करो, इतनी गर्मी में चाय चाहिए इनको। गर्मी से याद आया, कल रात को बहुत गर्मी थी, शायद एसी नहीं चल रहा था। हाँ पापा सही कह रहे हो आप, गर्मी तो बहुत थी, लगता है एसी खराब हो गया। नहीं तो जीजा जी, एसी तो एकदम मक्खन चल रहा था। आर यू श्योर एसी चल रहा था? हाँ हाँ, बस दो मिनट के लिए बीच में एसी बंद हो गया था, मैंने सोचा हो सकता है कि भाई एमसी ना गिर गई हो, और मैंने जाके चेक किया तो एमसी गिरी हुई थी। मैंने टक से ऊपर करी और फट से कमरे में गया, कम्बल ओढ़ा और शिमला बना के मस्त सोया, रात को चिल्ड करके पूरा कमरा। अरे पापा, पता नहीं कौन सी नस्ल के लोग हैं ये, मैं परेशान आ चुका हूँ इनसे, इनको भगाओ ना पापा यहाँ से, प्लीज पापा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी करो लेकिन इनको यहाँ से भगाओ। बेटा मैं तो खुद परेशान हो रखा हूँ इन लोगों से, एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इनको भगाने के लिए। हाँ हाँ पापा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब इस हालत में और नहीं रह सकता मैं। एक काम करते हैं, तेरी मम्मी को डाइवोर्स देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे नहीं 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 नहीं, डाइवोर्स नहीं पापा, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ यार सही कर रहा है, डाइवोर्स कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है। अबे यार, एक तो मेरे को इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है, और इस मामा और गुलगुले ने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है। अरे क्या हुआ दीदी, वॉशरूम जाना है क्या? तो जाओ ना। How heavy
आइए, स्वागत है आपका मेरे आलीशान बिस्तर पर। बेटा, तू मेरा और मैं तेरा दर्द समझता हूँ, पर करें क्या? आप लोगों की परेशानी ना मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ऐसे नहीं बताऊंगी, उसके लिए ना मुझे फोन वापस चाहिए। अरे फोन वोन कुछ नहीं मिलेगा, चल चल। ठीक है तो सड़ो फिर। अच्छा यार रुक जा, ये पकड़ फोन, बता आप क्या आइडिया है। पापा अब इसने ना आपके सामने मुझे फोन दिया है, अब ये छीन नहीं सकता, आप विटनेस हो इस बात के। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। सुन लिया ना? हाँ ठीक है, अब नहीं मांगूंगा वापिस, लेकिन बता अब आइडिया क्या है ये बता। अगर हम मामी को पप्पू मामा की लाइफ में वापस ले आए तो अपनी फैमिली के साथ जाके रहेंगे ना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? अब वो तुम सोचो, मुझे नहीं पता यार। आइडिया तो सॉलिड है, पर ये होगा कैसे? बेटे की हालत हुई गंभीर तो माँ इंग्लैंड से पैदल पैदल भाग कर आई बेटे के पास। ये होता है माँ और बेटे का प्यार। तो देखते रहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचे रहे। आइडिया। जय हिंद जय भारत। अरे बेटा तू तो हीरा है हीरा, तू और रील्स बनाया कर। और ऐसा कर, ये ले गाड़ी की चाबी, जहां भी तुझे जाना बेटा गाड़ी में जाइयो। अरे पापा मेरे से भी पिछले पार्ट में यही गलती हुई थी। तू चुप कर यार, तुझे नहीं पता। बेटे अब तू फटाफट अपनी मामी को फोन मिला। अरे फोन कहाँ से मिलाऊं, फोन तो मेरा वो ले गई। अरे तू मेरा लगा ना, ये ले फोन, जल्दी मिला। हेलो मामी जी नमस्ते, मैं रचित बात कर रहा हूँ। हाँ रचित बोलो। मामी जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप मामा जी को छोड़ के चली गई। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, तुम चुप रहो। अरे तू मुझे दे, मैं बात करता हूँ, इधर दे। हेलो पप्पी जी कैसे हो आप? और मेरा अब आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तो दोबारा मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो पप्पी जी। क्या सुनूं? मुझे कुछ नहीं सुनना, कितने घटिया लोग हो तुम। आप मुझे और पप्पू को एक जैसा क्यों समझ रही हो? वो अलग है, हम अलग हैं। आप मुझसे तो बात कर ही सकती हो ना, और मुझे तो पता ही है साला गधा है एक नंबर का। हाँ वो तो है, चलो मैं रखती हूँ। रुको रुको रुको, वो आपको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। गुलगुला ना कभी भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? अरे वो काफी टाइम से ना हमारे साथ रह रहा है। और क्या हो? बताइए ना सतीश जी। और डॉक्टर ने बताया कि उसको कैंसर है, और उसकी आखिरी इच्छा है कि अपनी मम्मी पापा के साथ रहूं मैं। आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना पप्पी जी? हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस अभी। गुलगुले गुलगुले ये क्या हो गया तुझे? अच्छा अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। आप गुलगुले को बताना मत कि हमने आपको उसके बारे में बता दिया है और आपको पता लग गया है गुलगुले के बारे में। ना पप्पू को बताना, ना गुलगुले को बताना। वो क्यों? अरे नहीं तो फिर उसको ये लगेगा ना कि मेरी माँ तो सिर्फ मेरे मरने की खबर सुन के आई है, वैसे तो कभी आई नहीं, और फिर वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ओए बन गई बात पापा जी। ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? वो टीवी में एक प्रोग्राम आना है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में प्रोग्राम? मैं जाके देखता हूँ कौन है। कहाँ है मेरा गुलगुला? कहाँ है मेरा लाल? गुलगुले मेरे लाल आ जा, अपनी माँ के गले लग जा। पप्पी तू आ गई, पप्पी दे दे इस पप्पू को भी एक झप्पी। चल हट पधोड़े कहीं के। सबके सामने ऐसे मत बोलो, मैं तेरा पप्पू हूँ पप्पी।
मैं आज भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बेशक तू मुझे छोड़ के चली गई थी। पप्पी देखो, मैं ना यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं तो अपने गुलगुले के लिए आई हूँ। बेटा हम अपने घर जाएंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। चल। नहीं मम्मी, हम यहीं पे रहेंगे। अरे यहाँ क्यों रहेंगे, हमारा अपना घर है, हम अपने घर रहेंगे, तुम चलो। नहीं, कितनी सुंदर तो है, मेरा मतलब है कितनी सुंदर बात कही है। चुप रहो तुम, मेरे भाई का घर बस जाए, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं रुकेगा, मैं अपने घर जाऊंगी, और वैसे भी ऐसे किसी घर पे रुकना अच्छा नहीं लगता। अरे ये लो, आप लोगों का सारा सामान पैक कर लाया हूँ, ये ले, आप लोग अब घर जाओगे और साथ में रहोगे, कितना सही रहेगा, वो भी एक परिवार की तरह। ये लो। चलो बला टली। थैंक गॉड। रुको, हम घर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास घर नहीं है अब। अरे भाई कहाँ गया तेरा घर? क्योंकि मैं अपनी पप्पी के प्यार में इतना पागल हो गया था, मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी दारू पी ली। मुझे माफ कर दो पप्पी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी में वापिस आओगी। पप्पू तुमने मेरी जिंदगी झप्पू कर दी, मैं कहाँ जाके रहूंगी, चूड़ियां मेरी तोड़ सकते हैं, पहनना भूल गई मैं। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, पप्पी जी आप रो मत, ये पप्पू तो है ही पक्का बेवड़ा, आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, प्लीज आप चुप हो जाओ। चुप रहो तुम, अब हम कहाँ जाएंगे? चुप, कोई नहीं तुम रेंट पे मकान लो और वहीं रहो। अरे कैसी बात कर रही हो, इस लॉकडाउन में इनका कौन रेंट पे मकान देगा? पप्पी जी आप ऐसा करो, यहीं रह जाओ हमारे साथ। You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be... Hey guys, तो मेरे को पता है आप लोगों को ये वाला एपिसोड बहुत पसंद आया और आप लोगों को थर्ड एपिसोड भी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक टारगेट रख रहा हूँ, आप जैसे ही वीडियो पे 2 लाख लाइक्स कर दोगे थर्ड एपिसोड वीडियो का आ जाएगा, तो जल्दी से लाइक्स ठोको, 2 लाख लाइक याद रखना, और कमेंट्स भी ठोको, दबा के कमेंट्स ठोको और फैला दो वीडियो को। बहुत जल्दी तीसरे एपिसोड के साथ भी मिलते हैं, तो लाइक्स और कमेंट ठोक दो और प्यार बनाए रखो गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।